क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1, α1, α2 सो ऑन सो फॉर टिल αn-1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 α1, 1 α2 सो ऑन सो फॉर टिल 1 α n-1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं? इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि α1, α2 जो कि हम जानते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो यहाँ देखने पता चल रहा है कि एक हर जगह 1 आ रहा है अगर क्वेश्चन। अच्छा, तो इस टाइप का कोई पैटर्न हमें दिख रहा है? जी हाँ, पैटर्न दिख रहा है हमें कि हर जगह हमें 1, 1, 1 दिख रहा है। ठीक तो है, तो हम इसे 1 को रिप्लेस करते हैं जेड से किसी, तो हम जनरल रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि मान लो अगर 1 की जगह जेड होता, मान लीजिए मतलब ऑफ z-α1 × z-α2 अप टू z-α n-1। अच्छा, तो ये z लगाने से अच्छा एक जनरल टाइप इक्वेशन, जनरल टाइप इक्वेशन बन गई। अगर हम यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब हुए इस टर्म को, तो हमें पता चल जाएगा और फिर उसमें z की वैल्यू 1 डाल देंगे हम, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलने में आसानी होगी। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये मेरे को पता चल रहा है कि z-α, क्योंकि अब ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है एक इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ z⁻ⁿ-1 = 0, हाँ α1, α2 up to αn-1 एक्चुअली देखा जाए तो इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सिर्फ एक टर्म बाकी है जो नहीं है इसमें, वो है 1। तो मैं उस 1 टर्म को भी इंक्लूड कर रहा हूँ इस पैटर्न में जो मैं स्टडी करना चाहता हूँ, जिस पैटर्न की। अच्छा, इवन दो दैट इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन, मतलब हाँ नहीं नहीं हाँ क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू पूछी गई उसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं पैटर्न स्टडी करने के लिए इसका यूज करता हूँ। इसको मैं बाद में किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। तो जेड की पावर एन माइनस वन इसके सोल्यूशन है, α1, α2 up to αn-1 और 1 इसके रूट्स हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉलीनोमियल में किसी भी पॉलीनोमियल को जो कि पावर एन का है, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू समथिंग सम कॉन्स्टेंट को मैं लिख सकता हूँ उसके रूट्स की टर्म्स में, जहाँ x1, x2, x3 इसके रूट्स हैं, x-x2 x-xn और कोफिशेंट क्या है a, तो x की पावर n का कोफिशेंट जो होगा वो यहाँ कोफिशेंट क्या होगा। तो यहाँ किसी भी पॉलीनोमियल को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ उसके रूट्स के टर्म्स में, रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो सेम चीज़ देखा जाए तो z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ इसके रूट्स की फॉर्म में। अच्छा, तो ये इस इक्वेशन की जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा? जी। अच्छा, फाइन। हाँ, z-α2 up to z-α n-1, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स है 1, α1, α2, αn-1। तो मैं z इस इक्वेशन को, इस z की पावर n माइनस वन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहीं तक समझना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ तक बना ली इक्वेशन, उसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा एफर्ट नहीं बचा है। अच्छा, उसके बाद आसान है क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मैं इंटरेस्टेड हूँ इस वाले पार्ट में। हाँ, जिसमें ये वाला पार्ट नहीं है। okay, तो मैं कोशिश करूंगा इस पार्ट को कहीं और मूव करवाने की। अच्छा, ठीक है, तो मैं इसे LHS में भेज देता हूँ नीचे। तो z की पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल्स टू z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 अप टू z माइनस अल्फा n माइनस 1। ये मेरा बन गया। ओके, अब मुझे पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। अब मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ चीज़ को, तो मुझे पता चलता है कि ये एक जीपी से रिलेटेड है। किस तरह से, मैं बताता हूँ अभी, क्योंकि मैं जानता हूँ सम ऑफ द जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जहाँ a इसकी फर्स्ट टर्म होती है जीपी की और r कॉमन रेशियो होता है। तो टर्म्स इस तरह से चलती है, a r की पावर n माइनस 1, तो इस तरह से चलती है टर्म्स। यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल सेम चीज है, r की जगह z है और okay, एक ही जगह 1 लिखा हुआ है, 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये एक ऐसी जीपी का सम है जो जीपी कौन सी बन रही है, 1 z, क्योंकि z माइनस 1 है। तो r की वैल्यू कंपैरिजन से पता चलता है मेरे को, r ठीक है, तो r z हो गया। ठीक है, तो r 1 z z स्क्वायर z क्यूब अप टू z की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है। ओके ओके, क्योंकि ये फर्स्ट n टर्म्स है। ठीक है, ये n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो वैसे मतलब ये आइडिया कैसे आएगा कि इसको, मतलब इसका वैसे फायदा भी क्या होगा, 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर? हाँ, इसका फायदा ये होगा कि जब मुझे पता चल गया LHS सिंपली ये बन रहा है 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर अप टू z की पावर n माइनस 1। हाँ, और मेरे पास RHS में z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 अप टू z माइनस अल्फा n माइनस 1,
तो देखिए मेरे पास एक जनरल रिजल्ट आ गया, मैं दोनों तरफ z की वैल्यूज आर एल एच एस में z की कोई वैल्यू पुट करूँ, आर एच एस में z की वैल्यू पुट करूँ, तो मुझे अच्छा वैल्यू वो मिल गई, रिलेशन मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बेसिकली एक जेनरिक सा इक्वेशन बन गया जो आप मतलब वही किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर मैं जेड की वैल्यू कुछ भी डालूं तो आर एच एस और एल एच एस में रिजल्ट निकल सकता है। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में देखा जाए, क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है वन, यहाँ हर जगह वन है, करेक्ट, तो मैं जेड को वन डालूंगा दोनों तरफ, ठीक है, तो जेड को दोनों तरफ वन डाल रहा हूँ मैं। हाँ, तो वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, अप टू वन माइनस अल्फा एन माइनस वन, और जहाँ एल एच एस में मेरे पास हर जगह वन डालना है मेरे को, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन अप टू वन, ये कितनी टर्म्स थी, एन माइन एन टर्म्स, ये तो एन टर्म्स थी एग्जैक्टली, तो एन टर्म एन बार वन जुड़ेगा तो एन बन जाएगा इधर, और आर एच एस में मेरे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है अच्छा वन माइनस अल्फा टू, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया वन माइनस अल्फा एन माइनस वन। तो इसी तरह से अगर मेरे से पूछा जाए वन माइनस अल्फा, इस तरह से मेरा ये बन गया मैडम। अगर इस तरह से मेरे से कुछ और पूछा जाता, मान लीजिए मेरे से पूछा जाता माइन वन प्लस अल्फा वन, वन इंटू वन प्लस अल्फा टू इंटू वन प्लस अल्फा थ्री अप टू वन प्लस अल्फा एन माइनस वन, तो मैं जेड को माइनस वन पुट करता, माइनस वन पुट करता तो यहाँ से भी माइनस माइनस कॉमन, तो अंदर से प्लस बच जाता, क्योंकि तो भी वन प्लस अल्फा वन बन जाता अगर वो क्वेश्चन हो पाता, तो इसी तरह से यहाँ से भी वन प्लस अल्फा टू आ जाता, तो इस तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो इसे ट्राई करना है और इसे बेसिक प्रॉपर्टी की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग रिवैम्प कर लेते हैं, या सॉरी रिकैप कर लेते हैं इनफैक्ट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इससे हम लोग को एक जेनरिक फार्मूला से आ जाती है, जो कि आई थिंक काफ़ी जेई में टेस्ट भी होती है। तो फिर सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ये क्वेश्चन डायरेक्टली, हम लोग एक जनरल फॉर्म में z माइनस वन टू z माइनस अल्फा वन करके लिख देते हैं और फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि भाई इसे खोल नहीं देना डायरेक्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हम लोग ने वो पॉलिनोमियल की कोई भी पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी यूज़ किया कि इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो फिर वो यूज़ करके हम लोग ने एक LHS जनरेट किया विच इज़ z पावर n माइनस वन। तो दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को z माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दें तो जो RHS आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो हम लोग ने बस अपना डिजायर्ड जो क्वेश्चन है उसमें ये z माइनस वन टर्म इज मिसिंग, तो हम लोग ने z माइनस वन को LHS में भेज दिया। और फिर यहाँ पे सेकेंड ट्रिक आती है, जो कि ये कि हमें समझना पड़ेगा कि ये एक GP का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स का, तो जब सम ऑफ n टर्म्स का, तो जब हम इसको और सम ऑफ GP के फॉर्मूला को कंपेयर कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है कि वॉट इज़ द GP जिसका सम ये है। तो फिर हम लोग को एक प्रॉपरली वेल डिफाइंड LHS भी आ जाता है, एंड वंस वी हैव अ गुड LHS एंड RHS विच वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड क्वान्टिफाई, हम लोग Z की वो पर्टिनेंट वैल्यूज डाल देते जैसा हमसे क्वेश्चन डिमांड करता है। सो वंस यू सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज वी गेट द आंसर फॉर दिस केस स्पेसिफिकली एज n, एंड वॉट इज टू बी अंडरस्टूड इज दैट दिस बॉक्स इज इन फैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ अ जेनरिक फार्मूला विच कैन बी यूज फॉर एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। So this concludes question number 8. Alright, so we have question number 9 with us, which says, given that modulus of z is equals to r is the incircle of the triangle ABC. Alright, so this is the triangle ABC and this is the incircle, alright. The incircle touches the triangle's sides at A1, Z1, B1, Z2 and C1, Z3 as shown in the figure. Find out the complex numbers associated with the vertices ABC. So alright, as I understand this particular question, this is the triangle, this is the incircle, these are the three points where it is touching. We need to find the coordinates for A, B and C. Is that correct? Yeah, yeah. Okay, how do we go about it? First we have to, हमें पहले पता करना होगा कि question actually है किस concept का, क्योंकि concept बहुत सारे होते हैं, हमें Z1, Z2, Z3 दिया हुआ है, right. तो must है, मुझे सोचना पड़ेगा कि concept कौन सा use करना है. तो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, थोड़ी geometry लगाने की कोशिश करता हूँ. ये center है, origin, मुझे पता है यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो टेंजेंट है, okay. इसी तरह से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पे भी, तो मुझे पाई बाय 2 मिल रहा है. तो मैंने कहीं ना, क्योंकि अब मुझे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन में और मुझे बाकी तीन निकालने हैं, तो जरूर, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बताता है मुझे कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो, मुझे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ.
तो यहाँ पर जैसे सी निकालना है, मुझे कुछ सी के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ इसके पहले केस में. ओके, तो सी निकालना है मुझे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर पता है मुझे, ये पता है ये ओरिजिन है, इसको मैं जीरो बोल रहा हूँ. ओके, ये जेड वन है और सी निकालना है. राइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन कहता है कि जब ये एक्चुअली सी ऑप्टेंड कैसे हुआ है, सी ऑप्टेंड हुआ है इस रे के रोटेशन से, रे ए वन ओ जो एक रे है. सो वी रोटेटेड बाय पाई बाय 2, रोटेटेड बाय पाई बाय 2 इन नॉन नेगेटिव डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन. राइट, तो हम इस A1O और A1C को रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन से. ओके, तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लिखना चाहते हैं. हम यहाँ लिखेंगे फाइनल रे, ये फाइनल रे हमारी, फाइनल रे ऊपर आती है हमेशा, फाइनल रे के क्रॉस इस पॉइंट का नाम, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है मैं उसे ZC बोल रहा हूँ. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन कहता है, मैं सिंपल वो लगा रहा हूँ, फाइनल रे का फाइनल पॉइंट माइनस फाइनल रे का इनिशियल पॉइंट अपॉन फाइनल इनिशियल रे का फाइनल पॉइंट, इनिशियल रे का फाइनल पॉइंट जीरो. ओके, माइनस इनिशियल रे का इनिशियल जेड वन. राइट, ये बराबर होगा जो चीज मैंने सिमिलरली यहाँ लिखी है, सिर्फ उसी का मॉड यहाँ पे आ जाएगा. ओके, जेड सी माइनस जेड वन अपॉन जीरो माइनस जेड वन. ये इक्वेशन क्या दिखाती है? मैं ये एक्चुअली अभी पूरा नहीं लिखा है मैंने, गिव मी अ मिनट. ई की पावर आयटा टाइम्स एंगल ऑफ रोटेशन. ऑलराइट ऑलराइट. Okay, so this is the argument and this. Okay, cool. Angle of rotation लिखते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि आपने clockwise rotate करवाया या anti-clockwise rotate करवाया. इस केस में आपने clockwise rotate करवाया, right. तो आपको हमेशा angle clockwise के केस में माइनस लेते हैं, जो कि जैसा कि थ्योरी में बताया गया था, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में प्लस लेते हैं. right. तो इसे मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है यहाँ पर, क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है सॉरी. अगर मैं सिमिलरली मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से भी कर सकता हूँ क्वेश्चन, उस केस में मेरा फाइनल रे हो जाएगी ए वन ओ और इनिशियल रे हो जाएगी ए वन सी. तो सिमिलर रिजल्ट्स लगा सकता हूँ मैं, सिमिलर इक्वेशन आएगी मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज का यूज करने पे. एंटी क्लॉकवाइज का यूज करके मैं निकालता हूँ. राइट, तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज के केस में ए वन हो जाएगी मेरी फाइनल रे. राइट, तो जीरो माइनस जेड वन फाइनल रे के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अपॉन जेड सी माइनस जेड वन, जो चीज मैंने यहाँ लिखी है सिंपल उसका मॉड, जीरो माइनस जेड वन अपॉन जेड सी माइनस जेड वन ई की पावर आयटा. अब यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास प्लस पाई बाय 2. ओके, तो और एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है. एग्जैक्टली, e की पावर माइनस पाई बाय आयोटा पाई बाय 2 को इधर ले आओ तो प्लस में बन जाएगा, इस टर्म को इधर ले आओ और इस टर्म को भी इधर ले आओ. right. तो सिंपल सेम चीज बन जाएगी. तो ये एंटी क्लॉकवाइज के केस में आ गया अपना आंसर, और ये क्लॉकवाइज के केस में. तो इसी तरह से मैंने एक बार लगा दिया, ये रोटेशन लगाया मैंने A1 के अराउंड. इसी तरह से मैं रोटेशन लगा सकता हूँ पॉइंट B1 के अराउंड. ओके, इस पॉइंट के अराउंड. तो मैं B1 के अराउंड रोटेशन कैसे मान सकता हूँ? मेरी इनिशियल रे है, मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता हूँ. राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हुआ. तो मेरी इनिशियल रे है B1O और फाइनल रे है B1C. तो मेरा इक्वेशन बनेगी रोटेशन की, फाइनल रे का फाइनल पॉइंट ZC माइनस Z2 अपॉन इनिशियल रे का फाइनल पॉइंट जीरो माइनस Z2 इज इक्वल टू, जो चीज यहाँ लिखी है सिंपल उसका मॉड, ZC माइनस Z2 अपॉन जीरो माइनस Z2 इंटू ई की पावर आयटा टाइम प्लस पाई बाय 2, क्योंकि मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिया. या राइट, सो दैट विल बी प्लस पाई बाय. ओके, तो यहाँ मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से समझाने के लिए. इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2. यहाँ मैं अगर मैं क्वेश्चन में और ध्यान से देखूँ तो इन चीजों का कहीं ना कहीं यूज है. जेड सी माइनस जेड वन, ये जो चीज दिख रही है जेड सी माइनस जेड टू का मॉड, क्या यूज है इसका? देखा जाए तो मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड टू और मॉड ऑफ जेड थ्री तीनों बराबर है. क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्चुअली रेडियस है सर्कल की. Exactly. तो आर है. Exactly. तो एक तो ये. That's brilliant. So that gives us, okay, तो वो variables अब हट जाएंगे हमारे पास. Variables हट जाएंगे. Right. थोड़ा और ध्यान से देखा जाए तो ZC माइनस Z1 भी आ रहा है, ZC माइनस Z2 आ रहा है. तो देखा जाए ये मॉड आ रहा है, तो हम जानते हैं मॉड ऑफ ZC माइनस Z2 का मतलब है ZC और Z2 के बीच में डिस्टेंस. राइट राइट. और ZC माइनस Z1 भी आ रहा है मेरे पास, वो भी सेम हो जाएंगे. तो ये भी सेम हो जाएंगे. ये क्यों सेम होंगे? क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट है. राइट 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 राइट. तो वो बराबर होती है. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज काफी काम आने वाली है मेरी इन दोनों एक्सप्रेशन में. कैसे? अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ? इस एक्सप्रेशन में मेरे पास ऊपर Z1 है और नीचे Z2 है. और इस एक्सप्रेशन में नीचे Z1 है, ZC माइनस Z1 है, ऊपर ZC माइनस Z2. अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास RHS में चीजें खत्म हो सकती है. Z2 खत्म हो सकता है Z1 से, ZC खत्म हो सकता है ZC माइनस Z2. ठीक है, तो मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास LHS में बचेगा, सॉरी माइनस टाइम्स Z1 by ZC माइनस Z1 इंटू
zc माइनस z2 अपॉन माइनस z2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और RHS में मेरे पास बचेगा मॉड ऑफ z1. मैंने माइनस मॉड z यहाँ पे मैंने यूज किया है, माइनस z का मॉड बराबर होता है मॉड z के, तो मैं सिंपली माइनस को नेगलेक्ट कर रहा हूँ और मॉड को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अलग. ये मैं जैसा कि थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ. तो नीचे बचेगा zc माइनस z1 इनटू zc माइनस z2 अपॉन मॉड ऑफ z2. राइट. और यहाँ e की पावर भी तो है मल्टीप्लाई में, तो उसे नहीं भूलना है. e की पावर आईटा टाइम्स प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, तो वो पाई हो जाएगी प्लस की. राइट. तो अभी अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे कि z1 z2 के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हुआ है. zc माइनस z2 का मॉड बराबर है इसके तो ये भी कैंसिल आउट हो गया. और e की पावर आयटा पाई की वैल्यू सिंपल मुझे पता है यूलर फॉर्म से. यूलर फॉर्म कहती है e की पावर आयटा थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा. ओके. तो यहाँ पे मुझे सिंपल पाई पुट करना है e की पावर आयटा पाई. तो पाई पुट करूंगा तो साइन पाई जीरो हो जाएगा, सिंपल मेरे पास कॉस ऑफ पाई बचेगा जिसकी वैल्यू थी माइनस वन. राइट. तो मेरे पास यहाँ सिंपल माइनस वन बचेगा आर एच एस में. और एल एच एस में मेरे पास बचेगा जेड वन बाय जेड टू इंटू जेड सी माइनस जेड टू अपॉन जेड सी माइनस जेड वन. तो अब मैं सिंपल मेरे पास इक्वेशन आ गई है सिंपल जेड सी जेड वन जेड टू में. इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं सिंपल आर एच एस में ले जाके. तो जेड वन जेड सी माइनस जेड वन जेड टू माइनस टाइम्स जेड टू जेड सी प्लस टाइम्स जेड टू जेड वन. सिंपल मैथमेटिक्स. जेड सी चाहिए मुझे तो इसलिए मेरे को जेड सी की टर्म्स को एक साथ करना है. तो मैं जेड सी की टर्म्स को एक साथ कर रहा हूँ. जेड सी जेड वन प्लस जेड टू और ये जेड वन जेड टू उधर जाके प्लस बन जाएगा. तो दो बार जेड वन जेड टू आ जाएगा मेरे पास. दैट इज टू जेड वन जेड टू टू टाइम्स जेड वन जेड टू. या ओके. सो अब मैं z1 प्लस z2 को RHS में ले जाता हूँ नीचे डिनोमिनेटर में. तो मेरे पास सिंपल बच गया z1 टू टाइम z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2. तो मेरे पास गिवन पैरामीटर्स थे z1 z2. तो मेरा आंसर जो zc का था वो आंसर आ गया है मेरा. राइट. इन पैरामीटर्स में. राइट. तो मैं zc निकाल लिया है. सिमिलरली मैं यूज कर सकता हूँ यही कॉन्सेप्ट. ये यूज किया मैंने ए वन और बी वन के अराउंड कॉन्सेप्ट निकाल के तो मेरे को सी मिला. इसी तरह का मैं बी वन और सी के अराउंड निकालूंगा तो मुझे ए मिलेगा और सी और सी वन और ए वन के अराउंड निकालूंगा तो मुझे बी मिलेगा. तो उस केस में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न देख सकते हैं और हम आंसर उसका डायरेक्टली लिख सकते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं. बिल्कुल पैटर्न देख सकते हैं और सिंपल आंसर लिख सकते हैं. तो इसी तरह यहाँ पे जिस तरह से आंसर जेड सी का टू टाइम्स जेड वन जेड टू आया था, इसी तरह से जेड ए का आंसर आएगा जेड टू जेड थ्री टू टाइम्स अपॉन जेड टू प्लस जेड थ्री. और जेड बी का आंसर आएगा टू टाइम्स जेड वन जेड थ्री अपॉन जेड वन प्लस जेड थ्री. राइट. तो मेरे पास सिंपल आंसर जो मुझे चाहिए था क्वेश्चन में वो मैंने सॉल्व कर लिया. सो ब्रिलियंट. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देर वर टू थ्री थिंग्स टू पॉइंट आउट. फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ क्वेश्चन लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बट इन दिस केस इट वॉज कॉम्प्लेक्स नंबर विच वॉज गिवन एज थ्री पॉइंट्स एंड देन वी हैड टू फाइंड द वर्टाइसिस ए बी सी. सो टू थ्री थिंग्स विच वी यूज हियर वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सी वेयर ऑल कैन यू कैंसल आउट. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी न्यू द इन्फॉर्मेशन दैट जेड वन्स मॉड जेड टूज मॉड एंड जेड थ्रीज मॉड वुड बी इक्वल टू आर विच हेल्प्ड अस लेटर टू कैंसल आउट इन सर्टेन मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली एनी डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स वर ऑल्सो सिमिलर. सो दैट वॉज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट इन सॉल्विंग द इक्वेशन वेर एन वी टुक दिस एज ओरिजिन एंड देन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग. फाइनली वी डेंट हैव टू कैलकुलेट फॉर ऑल द पॉइंट्स ए बी सी, वी जस्ट कैलकुलेटेड फॉर पॉइंट सी. एंड सिंस ऑल द अदर पॉइंट्स ए एंड बी वर ऑल्सो सिमेट्रिकली एसोसिएटेड विद अदर पॉइंट्स, वी कुड राइट इट एज अ पैटर्न. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर नाइन एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर टेन. Moving on to question 10, it says, let Z be a complex number having the argument theta, which lies between 0 to pi by 2, and satisfying the equation mod of Z minus 3i is equal to 3, then find the value of cot theta minus 6 pi Z. तो यहाँ पे हम एक बार ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें कि जेड एक्चुअली लाई कहाँ कर रहा है. तो हमें पता चलेगा कि जेड एक्चुअली इस सर्कल पे लाई करना चाहिए जो थ्री आयोटा को सेंटर मान के खींचा गया है तीन रेडियस का, ये सर्कल जो कि ओरिजिन को टच करता है. लेकिन यहाँ थीटा के ऊपर भी बाउंडेशन है, थीटा जीरो से पाई बाय टू के ऊपर है. यानी एक्चुअली ये जेड पूरे सर्कल पे लाई नहीं कर रहा जब तक उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू नहीं पहुँच जाता. यानी आर्ग्यूमेंट शुरू होगा जेड यहाँ से, डार्कन कर रहा हूँ मैं उस पार्ट को जहाँ पर जेड लाई कर सकता है. अभी भी जेड का आर्ग्यूमेंट जीरो से पाई बाय टू जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँच जाता यहाँ तक इस पार्ट तक, तब तक उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय टू नहीं होगा.
इसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू से बड़ा हो जाएगा, तो हम इंटरेस्टेड है जेड इस सेमी सर्कल वाले पार्ट पे, ठीक है। तो जेड कहीं पे भी लाई कर सकता है। दिक्कत क्या है जेड के साथ, जेड का मॉड्यूलस जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब हर पॉइंट पे जेड का मॉड्यूलस अलग अलग होगा। तो लेट अस अज्यूम कोई एक जनरल पी जहाँ पे जेड है, मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, ओरिजिन मेरा ओ, तो ओ पी जो है वो चेंज कर रहा है हर बार। तो थीटा, मैं मान रहा हूँ थीटा ये होता है जो कि आर्ग्यूमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जेड चेंज कर रहा है। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है कि जो चीज़ मेरे से पूछी जा रही है उसमें सिक्स आ रहा है, जो सिक्स एक्चुअली है क्या, सिक्स एक्चुअली इसके डायमीटर की लेंथ है, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं रिलेशन है डायमीटर की लेंथ से। तो मैं रिलेट करता हूँ चीज़, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये राइट एंगल इसलिए है क्योंकि इन सेमी सर्कल वी नो जब भी डायमीटर के जो पॉइंट्स होते हैं उनसे मैं अगर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो 90 डिग्री होता है, करेक्ट। तो एंगल ए पी ओ 90 डिग्री है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ, मुझे पता है ओ पी अपॉन ओ ए की वैल्यू क्या होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और बचा हुआ एंगल हो जाएगा थीटा। तो OP अपॉन OA, OP अपॉन OA, ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू होगी साइन थीटा। साइन थीटा, सो OP इज इक्वल टू OA साइन थीटा। OA की वैल्यू मुझे पता है, OA है 6, सो OP इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। और OP कुछ भी नहीं है, OP देखा जाए तो OP है मॉड जेड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मॉड जेड, सो मुझे मॉड जेड की वैल्यू पता चल गई है जो है 6 साइन थीटा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं अब क्वेश्चन में पोलर फॉर्म का यूज़ करूँ तो मुझे मॉड जेड थीटा के टर्म्स में मिल गया। तो हम लिख सकते हैं जेड को, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि मेरी पोलर फॉर्म कहती है। तो मॉड जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6 टाइम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम साइन थीटा। जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है उसमें कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड है, तो कहीं ना कहीं 6 बाय जेड मुझे बनाने की कोशिश करनी होगी यहाँ पे। तो जेड यहाँ है, 6 यहाँ पे है, मैं जेड को नीचे लेके आ रहा हूँ 6 बाय जेड, और बाकी बची टर्म इधर बचेगा 1, और बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। तो अब यहाँ तक मैं सिंपली, अब मैं 6 बाय जेड की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में निकालूँ, तो 6 बाय जेड को मैं लिख सकता हूँ, मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो टर्म थी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको दूसरी तरफ ले गया, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 1 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये पावर है ये अंदर चली जाएगी, सो अंदर आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये रिजल्ट डी मॉर्गन थ्योरम से, जी हाँ, ये रिजल्ट डी मॉर्गन थ्योरम से आया। तो 6 बाय जेड की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा को अंदर लेके जाता हूँ मैं, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया कॉट थीटा। तो यहाँ मुझे देखो ये कुछ मिल रहा है, कॉट थीटा मुझे पता है क्वेश्चन में आया है, तो मैं सही जा रहा हूँ इससे मुझे पता चलता है। तो साइन थीटा को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा माइनस 1 टाइम्स आल्टा 6z। तो अब मुझे मुझे चाहिए वैल्यू कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड की, तो मैं 6 बाय जेड को RHS में मूव कर देता हूँ, कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड, और आयोटा मेरा LHS में जाके प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट, कॉट थीटा माइनस 6 बाय जेड की वैल्यू आयोटा। एग्जैक्टली, सो सरप्राइजिंगली सिंपल सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। सो वी सॉ हियर दैट वी वर गिवन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल एंड वी वर टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सो वी नोटिस दैट 6 इज देयर, एंड सो वी नो दैट in order to get that we need to work with the circle,
So since the radius is 3, we have a clue about the fact that somehow diameter has to be a part of the the process of approach to this question. So then we proceeded to write mod of z in terms of sine theta, where theta is the argument of the number z. And we see that when we substituted that into the polar form, we got a nice expression which had 6 and which had the term 6 by z, which is what we wanted. And just simple manipulation of the next steps gave us what we needed. So these kind of problems are fairly common in JEE, because this requires you to think slightly geometrically, but then the manipulation involved is fairly simple. So kabhi kabhi in problems mein kafi time chala jata hai, क्योंकि लोग सही तरह से सोचना शुरू नहीं कर जी हाँ बिल्कुल यहाँ थीटा का जैसे थीटा का मैनिपुलेशन था कि कॉट थीटा कहाँ से आएगा, तो वो कई बार लोग कॉट थीटा निकालने बैठ जाएंगे सिंपल, जो कि नहीं निकाला जा सकता क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये जो टर्म पूछी गई है ये कहीं ना कहीं मेरे आखिरी में एक्सप्रेशन में बनेगी और उसकी वैल्यू मुझे पता होगी। तो बजाय कि मैं सिंपल कॉट थीटा और 6 बाय जेड को अलग अलग निकालने के और फिर पुट करने के, मैं कोशिश करता हूँ कोई और अप्रोच की जिससे मेरा ये जो दोनों टर्म्स है वो एक साथ बन जाए किसी एक्सप्रेशन में। एक्जैक्टली, सो दैट वॉज प्रॉब्लम 10।